हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचनी। मैं हूं रूना आशीष। और फ्रेंड्स, क्या होता है ना, पवनदीप और अरुणिता की अगर हम जब भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि रियलिटी शो के बाद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ देयर लाइफ शोज और हैपनिंग, और बहुत ऐसा अलग अलग जगह देखना मिलता है कि कभी इसमें 5 मिनट के लिए आ गए, 2 मिनट के लिए आ गए, तो बड़ा मिसिंग सा फैक्टर हो जाता है। लेकिन इंडियन आइडल के बाद जब वो SS2 में आए थे तब एक ठंडक पड़ गई थी, और अब एक बार फिर से आपके दिलों को खुश करने के लिए पवन अरुणिता सामने आ रहे हैं। SS2 बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है अपने नेक्स्ट सीजन के साथ, SS2 3 यानी सुपरस्टार सिंगर 3। अब उसी का प्रमोशन करने के लिए ये लोग झलक के मंच पर गए थे। ये लोग मतलब पांचों कैप्टन्स, पवन अरुणिता, दानिश सैली एंड सलमान अली। सडनली देखकर एक मन को बड़ी शांति हुई कि चलो भाई, जब भी शुरू होगा, जितने भी समय बाद शुरू होगा, लेकिन ये हमें दिखाई देने वाले हैं इंडियन आइडल 12 के ये टॉप 4 कंटेस्टेंट्स। तो वैसे ही लोगों को बहुत पसंद आते हैं, और सलमान अली की अपनी फैन फॉलोइंग है। तो ये लोग पहुंचे झलक के सेट पे, और सिर्फ पहुंचे नहीं, इन्होंने अपने अपने तरीके से गाने भी गाए, और गाने देखकर बड़ा मजा भी आता है। तो सबसे पहले झलक में फटा पोस्टर निकला हीरो जैसे पवनदीप पहुंचे, जहां उन्होंने सतरंगा गाना गाया। सतरंगा इन दिनों हम लोग उनके लाइव शोज में सुनते और देखते आ रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, इस स्टेज पे भी वो गा रहे थे। तो एक बार फिर से उन सारे लाइव शोज की याद आ जाती है। और फिर उसके बाद वे कमलेया करके अरुणिता आती हैं, सुंदर सी मुस्कान लेकर, ब्यूटीफुल सा प्रिटी सा फेस लेकर वो आती हैं। फिर बुलाया जाता है दानिश को, झूम बराबर झूम, खूब मस्ती में गाते हैं, खूब मस्ती में परफॉर्म करते हैं। उसके बाद सैली आती है, खतूबा कहती है, और वो जो नखरीली एकदम सामने वाले का जैसे बोलते हैं एकदम पागल कर देने वाली आवाज के साथ आती है, ऑडियंस के मतलब जजेस के जस्ट सामने खड़े होकर खतूबा वो गा रही है, और सब पीछे लोग डांस कर रहे हैं, जितने भी डांसर्स वहां पर थे वो। और फिर सलमान आते हैं, मस्त है मस्त है मस्त कलंदरी वाला गाना गाते हुए। इन पांचों को देखना एक बार फिर से अच्छा अनुभव था, क्योंकि एक बात तो तय है कि ये पांचों सिंगर बड़े कमाल के हैं, और फिर डांस के रियलिटी शो जो है उसमें सिंगिंग के रियलिटी शो वाले जो विनर्स हैं और जो टॉप 4 कंटेस्टेंट्स हैं, थोड़ा अलग इमोशन एंड ट्रीटमेंट था, लेकिन मजेदार तो था। अब डेफिनेटली ये देखकर मजा आता ही है। ओके, और श्रीराम जो कि सबसे ज्यादा क्लोज उनके रह चुके हैं, भूमि वॉज ऑल्सो देयर, श्रीराम तो कंटेस्टेंट भी हैं, और वो खुद कहते हैं हर एक की तारीफ भी कर रहे थे, सलमान के लिए भी तारीफ कर रहे थे, और वो बड़े प्यार से बता भी रहे थे। श्रीराम का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, और मुझे सच में ऐसा लगा कि जैसे एक तरीके से ना पवन ने अपनी दोस्ती निभाई श्रीराम से। सडनली ऐसा, मैं ऐसा बोल नहीं रही हूं सिंपल, क्योंकि चैनल वालों का डिसीजन रहता है कि कहां किस शो में नए शो के बारे में डिटेल्स दिया जाए, बट एकदम से मुझे याद आ गया इंडियन आइडल 12 का वो फिनाले जिसमें कि पवन और श्रीराम दोनों ने परफॉर्म किया था, ब्रेथलेस पे परफॉर्म किया था, और ओ बलमा इस पर परफॉर्म किया था, और पवनदीप तबले पर भी थे, और श्रीराम है जो वो गा रहे थे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। सो एक बार मुझे अचानक से उस चीज की याद आ गई कि वो एक एक दोस्ती जो शुरू हो जाती है ना दो कलाकारों की स्टेज की वजह से, वो कैसे आगे बढ़ती है समय के साथ, कैसे नया नया रूप लेकर जाती है, वो सब दिखाने के लिए आ गए थे पवनदीप। और पवन यहां पर भी गाना डेफिनेटली गा रहे हैं, नेक्स्ट एपिसोड में शायद हमें कुछ और भी देखना मिल जाए, इंतजार तो डेफिनेटली रहेगा। लेकिन इन सबको एक बार फिर से स्टेज पर देखना और श्रीराम के साथ में उनकी बातचीत बहुत अच्छा अनुभव देकर गया है। कुछ एक उनके पिक्चर्स भी मैंने कुछ एक वीडियोज भी मैंने उनके देखे, जब वो चारों पांचों ऐसे खड़े हुए थे और सब लोग उनसे बात कर रहे थे, इट वॉज अ ब्यूटिफुल फीलिंग। इंतजार तो मुझे भी है कि कैसे ये वाला SS3 के साथ लोगों के सामने, और कौन से सुंदर से बच्चे जिन्हें तराश कर ये पांचों कैप्टन आपके सामने लेकर आने वाले हैं। अब मुझे बताइए, आपको इंडियन आइडल 12 के फिनाले में पवन एंड श्रीराम का वो परफॉर्मेंस याद आया या नहीं आया, जरा लिखकर बताइए। जय हिंद।